हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए कलेशिया के बारे में एक कलेशिया ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फाइव मार्क्स में पूछते हैं जीआईटी का टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्या है ए कलेशिया का्डिया की फेलियर ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यूरिंग पैसेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ डी ऑफ यूर योर बैक्स प्लेक्सेस इस कॉल्ड एस ए कलेशिया कार्डिया तो किस कंडीशन को कह रहे हैं एक कलेशिया कार्डिया यहाँ पर क्या हो रहा है जो लोअर ईसोफिजियल स्फिंगटर होता है हमारा ठीक है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा फेलियर टू रिलैक्स ठीक है ऑफ द लोअर ईसोफिजियल स्फिंगटर क्यों नहीं रिलैक्स कर पा रहा ड्यू टू डी जेनरेशन ऑफ यूरबाक्स प्लेक्सेस हमारे जो नर्व प्लेक्सेस होती है यूरबाग प्लेक्सेस वो उसके डीजेनरेशन की वजह से जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्विंकटर है इट फेल्स टू रिलैक्स तो पैसेज ऑफ फूड हो नहीं पाएगा इस कंडीशन को कह रहे हैं एक एलेशिया का्डिया ठीक है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे एक एलेशिया का्डिया की फेलियर ऑफ द लोअर ईसोफेंजियल ईसोफेजियल स्विंगटर टू रिलैक्स ड्यूरिंग पैसेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ दी जनरेशन ऑफ़ योर बैग्स फ्लेक्सेज इज कॉल्ड एक एलेशिया का्डिया अब इंसिडेंट्स देखें तो इंसीडेंट्स में क्या लिखेंगे सिक्स पर लैख पॉपुलेशन पर ईयर मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड ठीक है तो सिक्स लैक्स पॉपुलेशन पर ईयर एंड मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड इंसिडेंट्स लिख दिया ईथियोलॉजी क्यों हो रहा है डिजनरेशन ऑफ द योरबाक्स प्लेक्सिस तो इडियोपैथिक हो सकता है कुछ एक्वायर्ड वैरायटी में ट्रिपे ट्रिपेनोजोमा क्रूजी का इन्फेक्शन ठीक है इस पैरासाइट का इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है स्ट्रेस या इमोशनल फैक्टर्स की वजह से डिजनरेशन हो सकता है किसका योरबैक्स प्लेक्सिस का ठीक है जिसकी वजह से हमारे जो लोअर ईसोफेजियल्स फिंकटर है इट विल फेल टू रिलैक्स तो कॉन्ट्रैक्ट होके ही रह जाएगी ठीक है तो फूड जो है वो पास नहीं हो पाएगा नीचे की तरफ स्टमक में तो इस कंडीशन को एक एलेशिया बोल रहे हैं तो इडियोपैथिक में क्या लिखा है इडियोपैथिक दिस अकर ड्यू टू एबसेंस ऑफ और डीजनरेशन ऑफ योरबैक प्लेक्सिस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द इसोफेगस बिकॉज ऑफ विच द पैरासिम्पेथेटिक इम्पल्स नॉट इंटीग्रेटेड प्रॉपरली तो यहाँ पर एकदम ही एब्सेंट है एकदम ही डीजेनरेशन uh, हो रखा है योरपैक्स प्लेक्सेस का ठीक है पूरी की पूरी बॉडी ऑफ द इसोफेगस में सेकेंड एक्वायर्ड वैरायटी में ट्रिपेनोजोमा क्रूजी इन्फेक्शन की वजह से जिसको हम चागास डिजीज़ भी बोलते हैं चागास डिजीज भी बोलते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोजोमा क्रूजी ये क्या करता है इट डिस्ट्रॉय द गैंग्लियोनिक सेल ऑफ़ यूरबाक्स प्लेक्सिस यूरबाक्स प्लेक्सिस इज अ व्हाट इट इज़ अ नर्व प्लेक्सिस तो उसकी गैंगलियन सेल्स को ये ट्रिपेनोजोमा क्रूजी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है तो ये एक्वायर्ड वेराइटी में ये रिस्पॉन्सिबल है पैरासाइट ट्रिपेनोजोमा क्रूजी ठीक है जिसको हम जागाज डिजीज भी बोलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर में भी ये देखने को मिलता है और विटामिन की डिफिशेंसीज में भी अब क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा ही बात है डिसफेजिया डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन ठीक है तो डिसफेजिया देखने को मिलेगा इट डेवलप स्लोली एंड इट इज प्रोग्रेसिंग तो ग्रेजुअल gradual, ग्रेजुअली ये होता है ठीक है डिस्फेजिया डेवलप स्लोली एंड इट इज प्रोग्रेसिंग एंड डिस्फेजिया फॉर लिक्विड इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज एंड इट रिजल्ट इन रिगर्जिटेशन तो डिस्फेजिया स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए लिक्विड्स के लिए ठीक है उसको लिक्विड लिक्विड स्वेलो करने में दिक्कत आएगी ठीक सॉलिड में इतनी दिक्कत नहीं है सॉलिड बाय फॉर्मिंग अ बोलस एंड एडेड बाय ग्रेविटी व्हेन दे टच द कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट द फिंग पार्शियली ओपन अप दस देर इज नो डिसफेजिया फॉर सॉलिड तो सॉलिड क्या करता है सॉलिड सॉलिड फूड फॉर्म्स अ बोलस बोलस बन जाता है और ये क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इस और फिर अपना स्टमक है ना तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है ये बोलस जो है इट अप्लाई सम्रेशर ओवर द कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट एंड इसकी वजह से क्या होगा स्वेंगटर्स जो है वो पार्शली ओपन हो जाता है तो स्पेसिफिकली डिस्फेजिया हमें लिक्विड के लिए देखने को मिलता है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड क्या लिखा है रिगर्जिटेशन इट इज एक्सट्रीमली कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ एकेलेशिया कार्डिया रिगर्जिटेशन ठीक है स्पेशली एट नाइट इन द लाइन डाउन पोस्चर मेली टू एस्पाइरेशन डेवलपमेंट ऑफ रेस्पाइरेटरी कॉम्प्लीकेशन तो रीगर्जिटेशन वापस से जो फूड है वो वापस से है ना माउथ में आना इसको कह रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है स्पेशली रात को देखने को मिलता है इट ऑल्सो मे लीड टू एस्पायरेशन और रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है इस रीज रिगर्जिटेशन की वजह से नेक्स्ट सिम्टम वेट लॉस क्योंकि पेशेंट जो है वो खाना ढंग से नहीं खा पाएगा तो इस वजह से उसको वेट लॉस देखने को मिल सकता है रिकरेंट रेस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन ड्यू टू स्विलेज ऑफ लिक्विड कैन ऑल्सो अकर तो बार बार रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे इस पेशेंट में फीचर्स ऑफ अनिमिया लाइक क्लोसाइटिस टोमेटाइटिस पैलर एंड बॉल टंग तो ग्लोसाइटिस टोमेटाइटिस अनिमिया के फीचर्स देखने को मिलेंगे ठीक है रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा रेडिएशन ऑफ पेन टू द इंटर स्केप्युलर रीजन रीजन में भी प्रेजेंट तो रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट और इंटरस्केप्युलर रीजन में पेन देखने को मिल सकता है माल न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन ये सब इल हेल्थ इट फॉलोज सोन तो ये सारे जनरल फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे तो क्लिनिकल फीचर में डिस्फेजिया स्पेसिफिकली फॉर लिक्विड रिगर्जिटेशन स्पेसिफिकली रात में ठीक है वेट लॉस देखने को मिलेगा रेस्पेरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस अनिमिया के फीचर्स रेट्रोस्टर्नल और इंट्रोस्केप्युलर रीजन में पेन मालन्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे तो बेरियम स्वेलो हम करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली डायलेटेड ईसोफेगस देखने को मिलेगा विद अ स्मूथ टेपरिंग बिलो और यहाँ का पार्ट जो है वो टेपरिंग देखने को मिलेगा तो ऊपर का पार्ट डायलेटेड और नीचे का पार्ट टेपरिंग देखने को मिलेगा इस फेगस में ठीक है बेरियम स्पेलो में इसको हम क्या कहते हैं क्यूकम्बर ईसोफेगस कहते हैं ठीक है तो बेरियम स्वेल आ, स्वेलो में क्यूकम्बर ईसोफेगस देखने को मिलेगा एंड इन क्रॉनिक केस इट मे बी सिग्मोइड शेप का भी देखने को मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पे फूड जो है वो इकट्ठा होता रहेगा इकट्ठा तो ये इस ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो डायलेटेड रह जाएगा और ये नीचे जो रिलैक्स नहीं कर पा रहा वो कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन रहेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा बेरियम स्वेलो बेरियम्स वेलो में हमें ये देखने को मिलेगा यूनिफॉर्मली डायलेटेड ईसोफेगस और केस में सिग्मोइड शेप लास्ट है ईसोफेजोस्कोपी ईसोफेजोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा इट रिवील्स अ डायलेटेड सैक कंटेनिंग सेगमेंट ऑफ फूड एंड फ्लूड एंड इट इज ऑल्सो डन टू रूल आउट प्रॉक्सिमल मेलिग्नेंसी तो ईसोफेजोस्कोपी करके डायरेक्टली देख लेंगे तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा एक डायलेटेड सैक देखने को मिलेगा विच इज फिल्ड विथ फूड एंड लिक्विड है ना फ्लूड एंड इट इट इज ऑल्सो डन टू रूल आउट एनी मेलिग्नेंसी फेजोस्कोपी कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन है आगे और इन्वेस्टिगेशन में प्लेन एक्सरे एबडामन इरेक्ट पोजिशन में ले सकते हैं प्लेन एक्सरे और एक्सरे ऑफ चेस्ट तो प्लेन एक्सरे एबडामन इरेक्ट में क्या है फंडिक एयर बबल इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ़ द स्टेसिस ऑफ फ्लूड इन द ईसोफेगस तो एयर बबल्स जो है वो एबसेंट रहेंगे क्योंकि स्टेसिस ऑफ फ्लूड इन द इोफेगस के अंदर ही फ्लूड जो है वो एक्यूमुलेट होकर रखा है तो फंडिक एयर बबल एबसेंट एक्सरे चेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा एस्पाइरेशन न्यूमोनाइटिस कैन बी डायग्नोस्ड एंड मीडिया मास प्रोड्यूसड बाई डायलेटेड ईसोफेगस कैन बी सीन तो मीडिया स्टेना में एक मास देखने को मिलेगा किस वजह से डायलेटेड ईसोफेगस की वजह से ट्रीटमेंट क्या करेंगे हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट हम करेंगे यहाँ पे हेलार्ज कार्डियोमायोटोमी द एम इज टू रिड्यूस आउटफ्लो रेजिस्टेंस एट द लोअर ईसोफेजियल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर हम कार्डियोमायोटोमी करेंगे यहाँ पर लोअर ईसोफेजियल स्ट्रक्चर में कुछ करेंगे ठीक है सर्जरी का टॉपिक फिर प्लमर हाइड्रोस्टैटिक बैग में इट इज़ ड्रॉप टू द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड इज डिस्टेंडेड टू ट्रांसवर्स डायमीटर ट्रांसफर ये नॉन सर्जिकल मेथड है तो यहाँ पे हम एक क्या कर रहे हैं लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस में ये दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे हम हाइड्रोस्टैटिक एक बैग रख दे रहे हैं इज डिस्टेंडेड ठीक है एक बैग हाइड्रोस्टैटिक बैग रख दे रहे हैं फाइव सेंटीमीटर तक का ट्रांसफर डायमीटर है इसका ठीक है तो इस वजह से वो क्या रिलैक्सड रहेगा और फूड जो है वो आसानी से नीचे जाएगा है ना कॉम्प्लिकेशंस में क्या है एस्पेरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकता है कार्सिनोमा हो सकता है माइल लोअर एसोफेगस और हैंस इट इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन तो ये हमने पढ़ लिया एक एलेशिया काडिया के बारे में इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या है एक एलेशिया काडिया यहाँ पे फेलियर ऑफ द लोअर ईसोफिजल्स फिंकर टू रिलैक्स ड्यू टू degeneration of earbark's plexus and incidence may males female both they are equally affected etiology idiopathic idiopathic acquired variety may trypanosoma cruzi infection also known as chagas disease it destroys the ganglion cell of the earbark's plexus stress emotional factor and vitamin defi deficiencies clinical factor may dysphagia for liquid regurgitation especially at night weight loss रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फीचर्स ऑफ अनिमिया लाइक ग्लोसाइटिस टोमेटाइटिस बाल टंग एंड रेटोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट एंड इंटोस्केप्यूलर रीजन में पेन भी देखने को मिल सकता है माल न्यूट्रिशन इल हेल्थ डिहाइड्रेशन होगा उसको इन्वेस्टिगेशन में बेरियम स्वेलो करेंगे ईसोफेजोस्कोपी करेंगे ठीक है इरेक्ट प्लेन एक्सरे एबडामन इरेक्ट एक्सरे चेस्ट करेंगे ठीक तो यहाँ पे हमें जब हम आ, बेरियम स्वेलो कर रहे हैं तो हमें क्यूकम्बर ईसोफेगस देखने को मिल रहा है क्यूकम्बर यूनिफॉर्मली डायलेटेड ईसोफेगस अब विद अ स्मूथ टेपरिंग एंड बिलो क्यूकम्बर ईसोफेगस एंड इन क्रॉनिक केस इट इज सिग्मोइड शेप नेक्स्ट ईसोफेजोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिल रहा है इट रिवील्स अ डायलेटेड सैक कंटेनिंग स्टेगनेंट फूड वहीं पे रखा मतलब वहीं पे फूड जो है वो इकट्ठा हो रखा है स्टैगनेंट फूड एंड फ्लूड आल्सो डन टू रूल आउट प्रॉक्सिमल मेलेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए भी ईसोफेजोस्कोपी करते हैं और एबडोमन इरेक्ट में अगर हम प्लेन एक्सरे ले रहे हैं तो फंडिक एयर बबल जो है वो एब्सेंट है बिकॉज ऑफ द स्टेसिस ऑफ फ्लूड इन द इसोफेगस एयर बबल जो है वो एबसेंट देखने को मिलेगा एक्सरे चेस्ट में एस्पाइरेशन यूम्यूनाइटिस हम डायग्नोस कर सकते हैं और मीडियास्टिनल मास देखने को मिलेगा विच इज़ प्रोड्यूस बाई विच इज प्रोड्यूसड बाई डेटेड ईसोफेगस ट्रीटमेंट में हमें क्या लिखना है ट्रीटमेंट में एक तो हाइड्रोस्टैटिक बैग ठीक है प्लमर हाइड्रोस्टैटिक बैग हम वहाँ पे आ, रख रहे हैं इट इज़ अ नॉन सर्जिकल मेथड प्लमर हाइड्रोस्टैटिक बैग और एक है हेलार्स कार्डियो कार्डियोमायोटोमी ठीक है ये सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर है हेलार्स कार्डियो माइटोमी और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है एलेशिया का एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकता है और कैंसरस इट इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकता है तो ये पूरा हमें लिखना है डेफिनेशन इंसिडेंस क्लिनिकल फीचर ठीक है इडियोलॉजी क्लिनिकल फीचर और इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रीटमेंट एंड देन कॉम्प्लिकेशन